तो रात की सप्ताह के अतिथि हैं भारत के सुप्रसिद्ध फिल्मी सितारे दिलीप कुमार। बातचीत जिनसे विनोद पांडे ने की। दिलीप साहब, बीबीसी की हिंदी सर्विस की तरफ से आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार। 6 साल गुजर गए, एक अरसा, एक युग गुजर गया। आज लगता बस ऐसे लगता, थोड़ा सा वक्त गुजरा, अभी अभी की बात है। जैसे आप कहते हैं कि एक युग बीत गया, जमाना बीत गया, ऐसा नहीं लगता मुझे। वो दिन नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह होती है रोज, शाम होती है, और वक्त का सिलसिला वैसे ही चलता है। मौसम बदलते हैं, बरसात आती है, फिर सर्दियां हो जाती हैं, फिर गर्मी पड़ती है, तो वक्त के बहाव में तो कोई फर्क नहीं है। सारी चीज़ें वैसी हैं, छोटे छोटे हालात वाक़यात जो हैं वो बदलते रहते हैं। के लड़कियों के लिए फिल्मों में आना सामाजिक रूप से एक बुरी बात समझी जाती थी, घर वाले अपने बच्चों को सिनेमा या थिएटर में काम करने की इजाज़त नहीं देते। क्या आपको भी इस विरोध का सामना करना पड़ा था? हाँ, एक हद तक, लेकिन उस वक्त तक काफ़ी अच्छे लोग आ चुके थे फिल्म में, काफ़ी अच्छी इंस्टीट्यूशंस थी फिल्में बनाने की, और बड़े माकूल किस्म के लोग थे। क्योंकि मुझे याद है उस ज़माने में पृथ्वीराज जी थे, बड़ी यानी उनका एहतराम किया जाता था फिल्मों में, देवी करानी थी, उनका बड़ा एहतराम किया जाता था, और बी एन सरकार, बरवा, नितिन बाबू, ऐसे लोग थे, शांताराम जी थे, जिनकी बड़ी इज्जत की जाती थी। तो एक किस्म का यानी सोशल प्रेजुडिस जिसको कहेंगे, वो उस ज़माने में थी, एक हद तक अब भी है। उसका जहाँ तक मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी का ताल्लुक है, मुझे कोई ख़ास उससे साबका ऐसा नहीं पड़ा। शुरू में जब आप फिल्मों में आए, तो क्या ये इत्तेफाकन था या कि आप जानबूझकर योजना पूर्वक की फिल्मों में आए थे? कि शूटिंग देखने गया था, उसने इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उन लोगों से जिनसे मुझे मिलाया गया, उन्होंने ये समझा कि शायद मैं भी कुछ काम कर सकूं, मुझसे पूछा। जी हाँ। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता है। मैं पूछा कभी ड्रामे में काम किया? मैंने कहा नहीं। और मेरा बिल्कुल ये कयास नहीं था, बल्कि यकीन था कि मैं फिल्म की अदाकारी बिल्कुल भी नहीं कर सकूँगा और एकदम नाकाम हो जाऊँगा, ऐसा मुझे यकीन था। इन 20 सालों में आपने हर प्रकार की भूमिकाएं निभाई हैं, कहीं आप जोगन, जुगनू और देवदास के निराश प्रेमी बने हैं, तो कहीं शबनम, आज़ाद और कोहिनूर जैसे चित्रों में मस्त और हंसमुख नायक बने हैं, दाग जैसे चित्र में आप एक साधारण कारीगर और शराबी बने हैं, तो शहीद में एक राजनीतिक क्रांतिकारी या फिर पैगाम में एक ट्रेड यूनियन नेता। इन तरह तरह के करेक्टर्स को निभाने में किस प्रकार के करेक्टर को आपने सबसे ज़्यादा चाहा है? हर किस्म की एक्टिंग अच्छी लगती है करते हुए, कॉमेडी करते हुए अच्छा लगता है, ट्रेजेडी करते हुए अच्छा लगता है, और गंवार का कैरेक्टर अच्छा लगता है, सोफिस्टिकेशन अच्छा लगता है, क्योंकि ये तजाद है, इनमें मुख्तलिफ किस्म के जो किरदार हैं वो करने से एक तरह की ड्रिलिंग होती है, और उससे इंसान मझता है, उसका काम मझता है, उसकी काबिलियत मझती है। वरना क्या होता है कि एक ही ढंग में लोग प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, और उनका एक ही किस्म की पर्सनैलिटी फिल्म पर हर फिल्म में आती है, और किरदार निगारी के लिहाज से या एक्टिंग के लिहाज से उसको समझते हैं कि वो आदमी महदूद हो गया, उसकी कोशिश भी महदूद हो गई। तो आप जब किसी करेक्टर को आप लेते होंगे, जो दिया जाता होगा आपको, तो आप क्या अप्रोच लेते हैं? आप उस करेक्टर को वो दूसरा कोई आदमी है ऐसे नहीं सोचते। जैसे आप अगर कोई फिल्म डायरेक्ट कर रहे हो या प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपके आपके उस ड्रामे में 20 कैरेक्टर हैं। आप एक डायरेक्टर की हैसियत से या एक मुसन्निफ की हैसियत से वो 20 कैरेक्टरों के साथ आप डील कर रहे हैं, लेकिन अगर उनमें से मैं एक प्ले कर रहा हूँ या एक अदा कर रहा हूँ, तो मुझे उस एक कैरेक्टर से वाबस्तगी है। आपने मेरे लिए एक कैरेक्टर चुना जो कि 30 साल की उम्र से उसकी कहानी शुरू होती है, और एक कैरेक्टर के एक्टर की हैसियत से मैं देखता हूँ कि आपके पास उसकी 29 साल का डेटा नहीं है, फिर मैं उसका 29 साल का जो डेटा है वो आपकी कहानी के फ्रेमवर्क में मैं ख़ुद उसको तैयार करता हूँ, ताकि मुझे उस कैरेक्टर से एक बुनियादी वाकफियत हो। जी हाँ।
तो जो चीज़ आप 30 बरस की उम्र से आप लेते हैं, एक एक्टर की हैसियत से मैं चाहूँगा कि मैं उसे पैदाइश से लूँ, और वो मवाद या वो हादसात जो उसकी ज़िंदगी के आपके पास नहीं हैं, मैं ख़ुद उनकी उनको ईजाद करूँ। आपके ख्याल में कलाकारों द्वारा अच्छे अभिनय करवाने में डायरेक्टर का हाथ कहाँ तक होता है? मेरा मतलब है, क्या एक अच्छा डायरेक्टर कलाकार से अच्छी भूमिका? ये मुनहसर है कि बाज़े डायरेक्टर ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नए एक्टरों से जो उनकी ज़ाती पर्सनैलिटी है उसके करीब रह के काम कर लेते हैं। कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं जिनके काम में जो किरदार हैं उनके काम में अदाकारी के बहुत सी रेंज चाहिए। ऐसा भी होता है कि डायरेक्टर की अपने तख़य्युल यानी उसके इमेजिनेशन से बहुत आगे बढ़कर उसको एक कैरेक्टर एक अदाकार जो है उसको इंटरप्रिटेशन उसका दे सकता है। लेकिन ये वो कितना कितना मश्क है, उसको अपने काम पर कितना उबूर है, इस पर मुनासिर करता है। क्यों कि बाज़ दफ़ा वो बिल्कुल गलत काम भी कर सकता है जिसको डायरेक्टर समझे कि ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें एक ख़ास तौर से एक लकीर खींची जा सकती है कि एक कैरेक्टर ही एक अदाकार ही एक कैरेक्टर की तख्लीक कर सकता है या उसको क्रिएट कर सकता है या एक डायरेक्टर ही है जिस पर सब कुछ मुनसिर है। मैंने अक्सर डायरेक्टरों के साथ जब काम किया तो वो एक हद के बाद मुझे अक्सर छोड़ देते हैं कि तुम क्या सोचते हो जी, तुम्हारे तुम्हारे दिल में क्या आता है जी। और मेरे दिल में मैं वाकई फिर सोचता हूँ कि क्या है, जज्बाती तौर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये ऐसा हो जैसे आप कहें कि ये भाई ये औरत है, ये माँ है तुम्हारी और ये मर गई है, अब हमको मालूम है कि ये माँ तो ललिता पवार हैं और ये सामने लेटी हुई हैं, ये मरी हुई नहीं, ये आपको इसका इल्म है और आपकी हर ज़हनी जो फैकल्टी है वो इस बात के ख़िलाफ़ है, ये औरत जो लेटी हुई है ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये एक और औरत है और ये ज़िंदा है और इसने अभी खाना खाया है और अभी उठ के चल फिर रही थी और तुम्हारा शॉट हो जाएगा, उसके बाद फिर चलने फिरने लगेगी। उस सूरत में क्या होता है कि अपने आप को बिल्कुल क़तः नज़र इस बात के कि ये औरत मेरी माँ नहीं है, लेकिन अगर ये मेरी माँ होती तो अगर, तो उस वक्त इंसान का दिमाग सोचने लगता है। हम अपनी माँ का तख़य्युल ले आते हैं और कई दफ़ा ऐसे होता है कि बड़े कभी डायरेक्ट तौर से कभी इनडायरेक्ट तौर से अपने जज्बात को कांटेक्ट करना पड़ता है। अच्छा डायरेक्टर जो होता है वो अक्सर ये देखता है कि एक अदाकार में क्या सलाहियत है और वो कितनी दूर तक पहुँच उसकी है और बार दफ़ा अगर उस अदाकार में ज़्यादा सलाहियत ना हो तो डायरेक्टर हर जगह पर फिर उसको गाइड करता है। दिलीप साहब, आपने यूँ तो किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया पर वैसे सेट्स पर आप अपने साथी कलाकारों को, खासतौर पर नए कलाकारों को, उन्हें अच्छी भूमिका अदा करने में कीमती मदद देते रहते हैं। क्या पूछ सकता हूँ आपने औपचारिक रूप से किसी फिल्म का निर्देशन क्यों नहीं किया? बस नहीं किया। करेंगे आप निर्देशन कभी? पता नहीं, आपकी जो प्रतिभा है वो निर्देशक के रूप में छिपी क्यों रहे, हम उससे अलग क्यों रह जाएं? देखिए जब वक्त आए देखेंगे। अभी आप कुछ मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं ये मैं देख रहा हूँ और मैं नहीं कहना चाह रहा क्योंकि ये जो है निजी तौर से एक आर्टिस्ट की हैसियत से जब दूसरे आर्टिस्ट हमारे साथ काम करते हैं, कुछ मश्क वाले लोग होते हैं, कुछ बहुत माहिर होते हैं, कुछ माहिर नहीं होते हैं, कुछ काम अदाकारी जानते हैं लेकिन एक ढर्रे में पढ़ के उनको एक ख़ास ढंग की एक्टिंग करने की आदत हो जाती है, तो हम लोग जब आपस में काम करते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमवार करनी पड़ती हैं आर्टिस्टों को आपस में। इस सूरत से अच्छे डायरेक्टर जो हैं वो अक्सर उमूमन आर्टिस्टों को छोड़ देते हैं कि वो अपना एक रिदम डेवलप करें हर सीन के अंदर जी। और इस हिसाब से कहेंगे डायरेक्शन, तो मैंने अक्सर दफ़ा अपने सीन्स जो हैं हम लोग
बैठ के एडजस्ट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। फॉर्मली ये कहना कि इश्तिहार में नाम छप जाए कि फिल्म हमने डायरेक्ट की है या नहीं की है। अब जैसे गंगा जमुना है, बहुत सी फिल्म ऐसी थी, नितिन बाबू बहुत ज़यीफ उम्र के आदमी हैं, 64 बरस की उनकी उम्र है, वो कहाँ से रेल में चढ़ेंगे, घोड़ों में बैठेंगे, हज़ार गाड़ी बैलगाड़ियाँ चलाएँगे। तो वो बहुत से फिल्म जो बहुत से सीन्स जो हैं मैंने खुद ही डायरेक्ट किए, वो खुद ही एडिट करने पड़ते हैं, राम और शाम में करने पड़े, आदमी में करने पड़े। तो इस तरह से ये एक मिला जुला काम रहता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कुछ आगे चल के ऐसा करूँ कि उसमें डायरेक्शन का नाम भी छपे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी पिक्चरें जो मैं जिनमें मैं काम करता हूँ ये मैं ही डायरेक्ट करता हूँ। दिलीप साहब, आपके प्रशंसकों के सामने आपकी एक इमेज बनी हुई है, एक बहुत बड़े नायक की, हीरो की इमेज। आप जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, सोचते हैं, उसमें आपके प्रशंसक पूरी दिलचस्पी लेते हैं। आप में और आपके प्रशंसकों में एक भावनात्मक संबंध है, एक खास तस्वीर जो आपकी उनके दिमाग में बनी हुई है उसे वो बदलना नहीं चाहेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ज़ाती तौर से अगर आपसे मिलके कोई अच्छी राय कायम करे तो बड़ी खूबसूरत बात है, वरना ही हो सकता कि आप अदाकारी बड़ी अच्छे करें, आप काम बड़ा अच्छा करें, बड़ी शोहरत हो, लेकिन ज़ाती तौर से आपका किरदार बड़ा मकरूह हो, तो ये तो बड़ी भद्दी बात हुई। इसमें तो सारी शोहरत आपकी समझिए कि कौड़ी काम की नहीं है। इंसान मेरे ख्याल से शोहरत के अलावा और ये जो एक किस्म का फिल्मी इमेज या इम्प्रेशन होता है, इसके अलावा उसमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई ज़ाती खूबी या ज़ाती वस्फ हो, और वो मेरे ख्याल से सादगी से आता है। जी हाँ, एक दर्शक के लिए थोड़े बहुत पैसे देकर फिल्म देखाना सिर्फ मनोरंजन भर नहीं है, उसे सिनेमा के जरिए से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, सिनेमा के उसके विचारों पर बहुत अधिक असर पड़ता है। उस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि क्या आपने अपने दर्शकों के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी है? कोशिश ये होनी चाहिए कि फिल्म अच्छा हो, फिल्म की कहानी बेहतर हो। बेहतर से मतलब मैं वो इंस्ट्रक्शनल फिल्म के ख़िलाफ़ हूँ, जिसमें कि फिल्म मीडियम को लोग ये समझते हैं कि इसको ऐसा रेजिमेंट कर दिया जाए कि ये सब लोगों को आवाज़ दे दिए जाएं और बता दिए जाएं ज़िंदगी की खूबसूरती के ऊंचाई के रास्ते। नहीं, अच्छा फिल्म, मुनासिब फिल्म, उसमें अच्छे ख्यालात, अच्छी कॉन्फ्लिक्ट जो होगी तो उसका बजात खुद ये एक असर पड़ेगा। मैं प्रोपेगेंडा फिल्मों के ख़िलाफ़ हूँ, जिसमें कि बहुत वाजे तौर से खुल्लम खुल्ला, जैसे कभी कभी देखते हैं कि शराब है मसलन, शराब के ख़िलाफ़ ये लंबे चौड़े भाषण और लेक्चर दिए जा रहे हैं, और इसी किस्म की आजकल जैसे ये पॉपुलेशन को जो रोकने के लिए बड़े बड़े लेक्चर दिए, ये लेक्चर दिए जाते हैं, मुझे लेक्चरबाजी की फिल्में पसंद नहीं हैं। वो एक फिल्म को और एक उसको एक मीडियम ऑफ प्रोपेगेंडा बन जाता है। दिलीप साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।